बहुत ज्यादा मुस्कुराते रहते हैं हर समय, कौन सा दुख है जो अंदर छुपाए हुए हैं। शायर ने, एक शायर कोई थे, उन्होंने लिखा जिंदगी चार टुकड़ों में बटी होती है। चार टुकड़ों में पहला टुकड़ा क्या, सबसे पहले आदमी ढूंढता है खिलौने, कि उसे खिलौना मिल जाए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए संडे Q&A के साथ में। और ये वीडियो बहुत लेट शूट कर रहा है सर, मान के चलिए अभी 9 बजे वीडियो पब्लिक होनी है और 20-25 मिनट पहले ये वीडियो हम शूट कर रहे हैं। प्लस मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कहने के लिए आज संडे था, लेकिन आज बहुत काम करा है अपने सर, ठीक है। अब यहाँ हमको रोना रोने नहीं आया, लेकिन रियलिटी है चैनल पर डेली एक वीडियो जानी होती है, तो ये संडे Q&A हम बना रहे हैं सर, ठीक है। इसके बाद थोड़ी देर बैठेंगे, रिलैक्स करेंगे क्योंकि बहुत थक गए हैं, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। 4 सेमेस्टर की 2 वीडियोज़ रह गई हैं और कुछ और कंटेंट भी केमिस्ट्री का बनाना है सर, ठीक है। चलिए जी पढ़ लेते हैं क्वेश्चंस को, इतना तो फोटो ही हम बहुत लेट डाल पाए थे, लेकिन हाँ फिर भी 50-60 क्वेश्चंस लोगों ने पूछ लिए होंगे। चलिए, लव यू गुरुजी, यू आर ग्रेट ग्रेट सर, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं। एक व्यक्ति है मेंटॉन 817, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस, ठीक है। ये बात हम हमेशा कहते हैं, सबको पता है कि मेरी एक किताब छप रही है सर, ठीक है, आप सबका प्यार है। उस किताब का नाम ही शुरुआत है और उसमें पूरा एक चैप्टर हमने अलग से है, कंसिस्टेंसी, यानी रेगुलर आपको रहना पड़ेगा। अगर आप रेगुलर नहीं हैं तो आप किसी भी चीज़ में कामयाब नहीं हो सकते मेरे भाई। तुक्का लग जाए वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपको रेगुलर रहना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। फिर यू आर स्माइलिंग सो मच, व्हाट सॉरो आर यू हाइडिंग। और ये सर RK वर्मा जी पूछ रहे हैं, ये जो हमारा फोटो है, और ये कह रहे हैं कि जो है आप बहुत ज़्यादा मुस्कुराते रहते हैं हर समय, कौन सा दुख है जो अंदर छुपाए हुए हैं। तो अगर हम आपको एक रियलिटी बताएं ना सर, ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये वीडियो में पता नहीं थोड़ा सा भारी हो सकता है, लेकिन एक रियलिटी बताते हैं। जिंदगी चार टुकड़ों में बटी होती है, ठीक है। ये विकृति सर का हमने एक सेशन देखा था, उन्होंने बताया था जिंदगी, जो एक शायर कोई थे, उन्होंने लिखा जिंदगी चार टुकड़ों में बटी होती है। चार टुकड़ों में पहला टुकड़ा क्या, सबसे पहले आदमी ढूंढता है खिलौने, कि उसे खिलौना मिल जाए। खिलौने के बाद फिर वो ढूंढता है माशुका, ठीक है, कि कोई प्यार करने वाला मिल जाए। फिर वो ढूंढता है नेम और फेम, और उसके बाद वो खुदा ढूंढता है सर, ठीक है। तो नेम फेम कहने के लिए मेरी एज अभी कितनी है सर, 27-28 के करीब है, लेकिन शायद हम ये नहीं करें बहुत बड़ी बात है, लेकिन रियलिटी ये है मेरे भाई। बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जो चाहा जिंदगी में सब पाया, ना खुद से ना खुदा से कोई शिकायत नहीं मेरे भाई। और अभी भी डिकेड इनको बहुत आगे ले जाना, तो उसके बाद चौथा स्टेप होता है खुदा। फिर आदमी सोचने लगता है कि मेरा वजूद क्या, इस दुनिया में आए क्यों है मेरे भाई। तो वो वाला फेज है, और जब आप उस फेज में आ जाते हो ना, हम किसी का स्टेटस नहीं देखते। ये सब आपको क्यों बता रहे हैं, ये सब आपके काम में आएंगे एक्सपीरियंस। हम किसी का स्टेटस नहीं देखते हैं, किसी की स्टोरी नहीं देखते, क्यों? क्योंकि मान लिया मेरे पास हजारों बच्चे, सैकड़ों बच्चे पढ़ रहे हैं, अब क्या है वो, मान लिया कोई व्यक्ति डांस कर, कोई लड़की डांस कर रही है, ठीक, उल्टी सीधी तरीके से रील बना के स्टेटस पे लगा रही है, कुछ लोग कहेंगे सर जी आपकी सोच नहीं, सर हमें नहीं पसंद है, वो मेरी पर्सनल राय है, तो हम स्टेटस नहीं देखते, क्योंकि हम किसी को देखेंगे नाचते हो, हम उस पर कॉमेंट तो कर नहीं सकते, वो आज़ाद है बच्चा करने के लिए, लेकिन हमें अच्छा नहीं लगेगा, तो हम नहीं देखते, स्टेटस नहीं देखते। मिलना मेरा ना के बराबर है, रिश्तेदार लगभग खत्म है सर, ठीक है। तो अब हम कर क्या रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ कॉन्टेंट पर काम करते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, और ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं वो लोग जो कुछ हमें सिखाएं और हम आपको सिखा पाएं। जैसे हम कई लोगों का नाम हमेशा लेते हैं, विकास देव कीर्ति सर होगा, लगभग हम इनकी वीडियोस देख लेते हैं, बढ़िया बताते हैं सर, ठीक है, आपको भी देखना चाहिए। संदीप महेश्वरी सर होगा सर, ठीक है। उसके अलावा अगर देखें तो एक अच्छा सा पॉडकास्ट आता, रणवीर अलावादिया करके चैनल है, वो पॉडकास्ट बनाता है व्यक्ति, तो उस पर लोग आते रहते हैं, वो देखते हैं। बाकी टेक्स रिलेटेड अगर देखें तो महात्मा जी टेक्निकल, बढ़िया चैनल है भाई, पूरा डिटेल में अगला आदमी समझाता है बहुत बेहतरीन तरीके से। और बाकी चैनल तो बहुत देखते हैं, मनोज भाई की कोई वीडियो आ जाती है, टेक्निकल देख लेते हैं यार, लेकिन हम ये नहीं कह रहे हम पूरी देखते हैं बैठ के, क्योंकि इतना टाइम नहीं मेरे भाई, लेकिन हम वीडियोज इन लोगों को देखते हैं। क्यों देखते हैं? क्योंकि हम उस इन्वायरमेंट में रहना चाहते हैं जो इन्वायरमेंट हम आपको सिखा पाए, और आपको भी यही करना है, रेगुलर रहना है प्लस उस इन्वायरमेंट में रहना है, क्योंकि चारों तरफ, एक बात हम अपना तजुर्बा बता रहे हैं, जिसे तुम अपना समझ रहे हो मेरे भाई, एक दिन ऐसा रोगे तुम्हें लगेगा मेरे भाई कि ये क्या है, हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे थे, ये था क्या। तब आपको एहसास होगा कि मेरे भाई कुछ कर लिया होता, कुछ अच्छा कर लिया होता तो मजा काट सकते। तो ये रियलिटी है मेरे भाई, जितनी आसानी से आप समझ लोगे फायदे में रहोगे, ठीक है सर। तो अब हमारी जो फेज है, जब हम किसी से संपर्क में नहीं है, कुछ नहीं है, तो कोई गम है ही नहीं। गम मेरे साथ बड़ी दूर तक गए, पाई ना मुझ में थकान तो वो खुद थक गए, वो वाला मामला आ चुका है। इसलिए अब हमने पहले कहा ना खुद से ना खुदा से कोई शिकायत नहीं है, जिंदगी में बहुत खुश हैं हम, ठीक है। कुछ चीज़ें चलती हैं बढ़िया है, लेकिन ओवरऑल उन सब चीज़, वो सब मेरी जिंदगी का हिस्सा है और बहुत अच्छी तरीके से मस्त तरीके से चल रही हैं, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल मस्त, हम आपको हमेशा ऐसे ही खुश होकर ही मिलेंगे सर, ठीक है।
सर जो आपने पढ़ाया है, विवेक भाई पूछ रहे हैं क्या ये एग्जाम के लिए इनफ है? बिल्कुल इनफ है मेरे भाई। बस आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस, अगर आप मान लिया पढ़ चुके हैं सर तो अब वही लेके क्यों बैठे हुए हो, और पढ़ो। अगर टाइम है तो प्रैक्टिस करो मेरे भाई, और नहीं टाइम है तो वैसे भी देखो भाई सीधी सी बात है यार, अगर टाइम है तो पढ़ो, और नहीं टाइम है तो फिर तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते, तो उतना ही पढ़ के चले जाओ सर, ये चीज़ें सर, ठीक है। शिव प्रताप भाई कह रहे हैं सेकेंड सेमेस्टर मैथ की सीरीज लाइए। तो भैया मैथ की सीरीज लाने के लिए जो है एक हमारी स्टूडेंट है सर, ठीक है, बीएससी फाइनल उसका हो गया था, उसने कहा सर हम मैथ पढ़ाएंगे, तो उस बच्चे से हमारी बातचीत हुई है, और हो सकता है ठीक है एक दो दिन के अंदर बी डिकेडेड मैथ वाले चैनल पर वो बच्चा पढ़ाए, उतना नहीं क्योंकि अब टाइम कम बचा हुआ है, लेकिन आपकी हेल्प हो जाएगी सर, ठीक है। और हम भी कुछ एक्टिव होंगे उस चैनल पर, एक दो वीडियोज़ हम भी बनाएंगे, बाकी वो बिटिया डेली बनाएगी आराम से, तो देखिएगा सर आप लोग भी, सर जितना हेल्प हो पाएगी उतनी करेंगे सर, ठीक है। कार्तिक जोशी भाई नमस्ते कर रहा, नमस्ते भाई। सर क्या बी एस सी सेकेंड सेमेस्टर एमसीक्यू एग्जाम टफ होते हैं? प्लीज़ जूलॉजी और बॉटनी के भी एमसीक्यूज बना दीजिए, संजय भाई कह रहा है। नहीं सर टफ नहीं होते हैं, पहली बात समझ लीजिए, और रियलिटी क्या, हम आपको रियलिटी समझाते हैं। देखो भाई लगभग अगर आप मॉडल पेपर उठा के देखोगे किसी किसी यूनिट में 50 विकल्प ही हैं, 8 यूनिट हैं सब में सर, ठीक है, यानी लगभग 400 से 500 विकल्प आपको पढ़ने हैं सर, ठीक है, कायदे के। और अगर ये 400 से 500 में भी हमने कुछ छांट रखे हैं, 500 विकल्प अगर आप डेली चाहो तो डेली पढ़ सकते हो। एक विकल्प देखने में कितना टाइम लगेगा? अरे हम कह रहे हैं 10 सेकंड लगेंगे। लो भैया तो एक मिनट में 6 विकल्प देख लिए, ठीक है, यानी अगर आप देखते हो 10 मिनट तो 60 विकल्प हो गए, 100 मिनट में 600 विकल्प देख लोगे, यानी सिर्फ 2 घंटे। डेली 2 घंटे भी मॉडल पेपर देखोगे बैठ के तब भी 500-600 विकल्प आप देख सकते हो, अरे 3 घंटे मान लो। और अगर आपके पास अभी 15 दिन भी पेपर को लिए हैं, 15 दिन हैं, 10 दिन है, जितना भी टाइम है, डेली देखो ना मेरे भाई 3-3 घंटे, 3-3 घंटे अगर आप देखते रहे डेली, आपको रट जाएगा भाई वो। कोई मॉडल पेपर नहीं है तो बी डिकेडिन एप्लीकेशन डाउनलोड करो ना यार, बी डिकेडिन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, उसके फ्री स्टडी मटेरियल, साइड में 3 लाइनें हैं उसमें जाना, फ्री स्टडी मटेरियल में हमने मॉडल पेपर पूरा डाउनलोड करके डलवा रखा है, फ्री मटेरियल है भाई, इंग्लिश में भी है हिंदी में भी है, देखो उसे डेली बैठ के डेली पढ़ो, जाके टिक लगा के आओ, बेहतरीन पेपर होगा हम गारंटी दे रहे हैं, बात खत्म हो गई, बस इतना सही है सर, ठीक है। सर इस तरीके, सर आपने बोला था मेरी बुक लॉन्च हो रही है 5 जुलाई को, इवेंट में हुई नहीं लॉन्च, कब तक आएगी आपकी बुक? ऋतिक भाई बुक लॉन्च हो गई थी सर, ठीक है, और कल हम फोटो भी डालेंगे इंस्टाग्राम पे, जिन लोगों ने इंस्टाग्राम पे सर फॉलो नहीं कर रखा है फॉलो कर लीजिए, 4000 से ऊपर लोग अब तो फॉलो कर रहे हैं, वहाँ पर भी बी डिकेडियन जाके सर्च कर लेना सर, ठीक है। और आप लोगों की मोहब्बत में ही हमने थोड़े से रुपए भी खर्च कर दिए थे सर, फीचर आया था तो लगभग 600-700 रुपए खर्च हो रहे थे कुछ, तो ब्लू टिक भी उस पर लगवा दिया ताकि आराम से आदमी ढूंढ ले, क्योंकि और भी कई लोगों ने बी डिकेडियन नाम से बना लिया सर, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको मन लगा के पढ़ना है, कनेक्शन में रहो 1-to-1, लोग स्टोरी वगैरह शेयर करते हैं हम लगभग, मेंशन करते हैं हम लगभग, शेयर कर ही देते हैं। बुक लॉन्च हो गई है 5 तारीख को, ठीक, कवर उसका लॉन्च हो गया था, प्रोसेस में है किताब, 15 तारीख तक आ जानी चाहिए। रियलिटी है थोड़ा सा मेरा ही लेट था, हम ही बिजी थे तो हम उस बुक को पहले कोरियर नहीं कर पाए, फिर वो गई, बहुत सारी प्रोसेस होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक पूरी किताब जो है ज़िंदगी का सपना होता है लोगों का, ठीक है, तो किताब बहुत जल्द आएगी, शुरुआत किताब का नाम है और मज़ा कटने वाला बार मेरे भाई सर, ठीक है। सर सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स की 5-6-7 यूनिट की PDF, ये बच्चा काफ़ी परेशान है, कई जगह पर इसने मैसेज किया था और कई बच्चे मैसेज कर रहे थे कि जो है सेकेंड सेमेस्टर की फिजिक्स की 5-6-7 यूनिट की PDF नहीं है, ये महा क्लास की शायद बात हो रही है, तो अभी ये वीडियो शूट होने के बाद, यहाँ तो कोई अभी है नहीं, अभी बना ही रहे हैं सर, ठीक है, 20-25 मिनट पहले, तो तुरंत अभी हम इस वीडियो को पब्लिक करेंगे, उसके बाद ये सारे जो छोटे मोटे काम रह गए इन्हें भी कंप्लीट कर देंगे, PDF डाल देंगे सर, ठीक है। फोर्थ सेमेस्टर की केमिस्ट्री पढ़ाई आदित्य जी कह रहे हैं, बिल्कुल 8 हमने मल्टीपल चॉइस वाली वीडियोस बनाई थी, उन्हें कंटिन्यू करेंगे हम कल से, क्योंकि अभी हम फिजिक्स की बची हुई जो 2 रह गई उन्हें शूट कर लेंगे, आज दिन में टाइम नहीं मिला, दिन भर ऑफलाइन क्लास थे सर, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें आपके लिए हो जाएंगी सर, ठीक है, बिल्कुल। सर लखनऊ यूनिवर्सिटी का सिलेबस आपके लिए मैच नहीं कर रहा, तो मेरे भाई हमने कई बार कहा है, अपने किसी भी, देखिए YouTube पर सर्च करिए, पेपर आ जाएंगे आपकी यूनिवर्सिटी के या उससे मिलते जुलते हैं, वहाँ से क्वेश्चन निकाल लीजिए, मॉडल पेपर से पढ़िए, उस टॉपिक को डालिए, टॉपिक आ जाएगा, टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए, टुकड़ों में तोड़ लीजिए चीज़ों को सर, ठीक है, इंपॉर्टेंट कहीं से उठा लिए, पढ़ कहीं से लिया, प्रैक्टिस कहीं से कर ली, इस तरीके की चीज़ें करेंगे तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी के पेपर को दे पाएंगे। बाकी डेली 2 घंटे भी अगर आप विकल्प देखते हैं, 2-3 घंटे, तो आप 500-600 विकल्प डेली देख सकते हैं और उसके बाद आसानी से जाके पेपर को दे सकते हैं। बाकी हमने सीरीजें बनाई हुई हैं उन्हें देखिए, ठीक है, प्रैक्टिस सीरीज अगर आप देखेंगे जो हमने पढ़ा रखी है, सेकंड सेमेस्टर की केमिस्ट्री पूरी मल्टीपल सीरीज बना दी है सर, ठीक है, फिजिक्स की पूरी मल्टीपल सीरीज बी डिकेडिन बीएससी पे बना दी है, इन सबको देखो मेरे भाई, अगर आप इन सबको देखते हो तो डेली देखते हो सर, तो देखते रहो, जब आप पेपर देने जाओगे तो ऐसा लगेगा जो तो सब मेरा सुना सुनाया में आता है सर, ठीक है, तो यही चीज़ें सारी होती हैं, बस प्रैक्टिस
इज द की ऑफ सक्सेस, ऐसे कह लो सर, ठीक है। प्रैक्टिस मेक्स मैन या वुमेन, जो भी है उसे परफेक्ट बनाएगा प्रैक्टिस। और बाकी एक बच्चे ने कितनी अच्छी बात की, कॉन्टिन्यूटी, लगातार उसे देखिए, डेली 2 घंटे पढ़िए, डेली 3 घंटे पढ़िए, बेहतरीन नंबर। अगर आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो काम बहुत आसान है। पिछले साल जो बच्चे थे, ऐसे ऐसे बच्चे थे, मतलब बहुत कम पढ़ा उन्होंने, और मैथ टाइप की भी कोचिंग नहीं पढ़ते थे, तब भी उन्होंने जो है मतलब अच्छे खासे नंबर बना लिए, अच्छी परसेंटेज बना ली, तो नंबर बढ़िया आते हैं सर, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है तो नीचे कमेंट करके बताइए, और अगर किसी का क्वेश्चन ना पढ़ पाए हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि टाइम भी हो रहा है और ये वीडियो वैसे ही 10-15 मिनट की हो गई होगी, 9 बजे पब्लिक भी होनी। बस दोस्तों, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।